and welcome to Shivangi Education. In this video, we'll talk about the topic is mustard oil. Botanical name is Brassica campestris. Important topic है BSc second year and final year के लिए. Paper में ये question 8 number में पूछा जाता है. तो चलो हम इस topic को शुरू करते हैं serial wise. Botanical name is Brassica campestris. Family is Brassicaceae. हिंदी नेम इज सरसो मीन्स मस्टर्ड. प्लांट पार्ट यूज्ड फॉर ऑयल. प्लांट का कौन सा पार्ट जो ऑयल के लिए यूज होता है तो क्या है सीड. देन उसके बाद है ओरिजन यानी कि मस्टर्ड का ओरिजन कहाँ से हुआ है. ब्रैसिका इज नेटिव टू टेम्परेट पार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड मेनली मेडिटेरियन रीजन. ब्रैसिका का ओरिजन ओल्ड वर्ल्ड के टेम्परेट पार्ट से हुआ है मेनली ये मेडिटेरियन रीजन से हुआ है. देन उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. तो मस्टर्ड इंडिया में कनाडा में फ्रांस में पोलैंड में जर्मनी में नेपाल में पाया जाता है. इन इंडिया चीफ मस्टर्ड ग्रोइंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान एंड असम. इंडिया में उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में पंजाब में राजस्थान में और असम में सरसों की खेती ज़्यादा होती है. देन उसके बाद है बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन मीन्स ये प्लांट दिखता कैसा है. तो सबसे पहले देखो हैबिट. मस्टर्ड प्लांट एनुअल कल्टीवेटेड हर्ब होते हैं और इसकी हाइट 60 से 150 सेंटीमीटर तक होती है. इसी के अंदर है रूट. मस्टर्ड में रूट टैप रूट होते हैं. टैप रूट का मतलब है हैविंग वन मेन रूट क्योंकि इसमें एक मेन रूट होते हैं और ये ब्रांचड होते हैं मींस इसमें प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट प्रेजेंट होते हैं. आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें ये है मस्टर्ड का रूट. हमने कहा इसमें रूट टैप रूट सिस्टम होते हैं मींस इसमें वन मेन रूट होते हैं और ये ब्रांचड होते हैं मींस इसमें प्राइमरी रूट सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट प्रेजेंट होते हैं. देन उसके बाद है स्टेम. ये स्ट्रक्चर है स्टेम का. स्टेम इसमें हर्वेसियस अबव एंड वुडी विलो होते हैं मींस ऊपर से तो हर्वेसियस होते हैं और नीचे से वुडी होते हैं मींस लकड़ीदार होते हैं. इरेक्ट होते हैं मींस प्लांट पूरी तरह से सीधे होते हैं. ब्रांचेड होते हैं इसमें ब्रांचिंग की फॉर्मेशन होती है. एंड सिलेंड्रिकल होते हैं स्मूथ होते हैं मीन्स चिकनेदार होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं. अब हम इस डायग्राम में ऑब्जर्व करते हैं स्टेम को. हमने कहा जो स्टेम होते हैं वो हर्वेसियस अबव होते हैं एंड वुडी विलो होते हैं मीन्स ऊपर से तो हर्वेसियस होते हैं लेकिन नीचे से ये लकड़ीदार होते हैं मीन्स वुडी होते हैं. इरेक्ट होते हैं मीन्स प्लांट पूरी तरह से सीधे होते हैं. ब्रांचड होते हैं स्मूथ होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं. अब इसी के अंदर पढ़ेंगे बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन में लीफ. ये स्ट्रक्चर है लीफ का. ये स्ट्रक्चर है लीफ का. मस्टर्ड में लीफ सिंपल होते हैं अल्टरनेट होते हैं और सिसाइल होते हैं. सबसे पहले देखो सिंपल लीफ क्या होते हैं. आप इधर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो लीफ है वो सिंगली प्रेजेंट है अल्टरनेट पोजीशन में हर एक नोड पर. ये नोड है और ये अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है. तो देखो सिंपल लीफ क्या होते हैं. सिंपल लीफ इज ए सिंगल लीफ डैट इज नेवर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर लीफलेट यूनिट. सिंपल लीफ जो होते हैं वो सिंगल लीफ होते हैं जो छोटे छोटे लीफलेट यूनिट में डिवाइड नहीं होते. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं इधर. देन उसके बाद है लीफ अल्टरनेट होते हैं. अल्टरनेट का मतलब है लीफ आर प्रेजेंट सिंगली एट ईच नोट. यानी कि जो लीव होते हैं वो प्रत्येक नोट पे सिंगली प्रेजेंट होते हैं. ठीक है गाइस. लीव अल्टरनेट होते हैं मींस लीव आर सिंगली प्रेजेंट एट ईच नोट. देन उसके बाद है लीफ सेसाइल होते हैं. सेसाइल का मतलब है प्लांट पार्ट डैट हैव नो स्टाल्क. प्लांट के पास कोई भी स्टाल्क नहीं होते एंड जो लीव होते हैं वो डायरेक्टली बॉर्न होते हैं स्टेम से. आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं प्लांट के पास कोई भी स्टाल्क नहीं होते लेकिन जो लीव होते हैं वो स्टेम से डायरेक्टली बॉर्न होते हैं. देन उसके बाद है इनफ्लोरेसेंस. ये स्ट्रक्चर है इनफ्लोरेसेंस का.
इनफ्लोरेसेंस क्या होती है सबसे पहले ये देखो। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन ए प्लांट इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, या फिर ऐसे भी कह सकते हो क्लस्टर, क्लस्टर को ग्रुप भी कहते हैं। क्लस्टर और ग्रुप ऑफ फ्लावर ऑन ए प्लांट इज नोन हैज इनफ्लोरेसेंस। तो इसमें इनफ्लोरेसेंस टाइपिकल रसीम होते हैं। टाइपिकल रसीम में क्या होता है, फ्लावर अरेंज इन एक्रोपीटल सक्सेशन, जो फ्लावर की अरेंजमेंट होती है वो एक्रोपीटल सक्सेशन में होती है। अब एक्रोपीटल सक्सेशन क्या होते हैं, एक्रोपीटल सक्सेशन में जो नए फ्लावर हैं वो तो एपेक्स पे होंगे यानी कि ऊपर होते हैं, और जो पुराने फ्लावर हैं वो बेस पे होते हैं। ठीक है, एक्रोपीटल सक्सेशन में जो नए फ्लावर हैं वो तो एपेक्स यानी कि ऊपर होंगे, और जो पुराने फ्लावर हैं वो बेस यानी कि नीचे होते हैं। गाइस आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो लीफ है, फ्रूट्स है और जो फ्लावर है, ये सारे ही इसमें अल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं प्रत्येक नोड पर। देन उसके बाद है फ्लावर। फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर कंप्लीट होते हैं, मींस इसमें कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट को बाइसेक्सुअल कहते हैं। बाय मीन्स होता है दो, इट मीन्स इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर टेट्रामेरस होते हैं, टेट्रा मीन्स होता है चार, इसमें सेपल्स और पेटल्स यानी कि कैलेक्स और कोरोला फोर प्रेजेंट होते हैं। आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो फ्लावर है वो येलो कलर के होते हैं। देन उसके बाद है फ्रूट्स। ये स्ट्रक्चर है फ्रूट्स का। फ्रूट्स कैसे होते हैं, मस्टर्ड में फ्रूट सिलिक्वा होते हैं। सिलिक्वा का मतलब है इट इज़ ए टाइप ऑफ फ्रूट हैविंग टू फ्यूज्ड कार्पल। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर का है ये कार्पल है और ये दोनों ही फ्यूज्ड है। तो सिलिक्वा एक फ्रूट का एक टाइप है हैविंग टू फ्यूज्ड कार्पल, जिसके पास दो फ्यूज्ड कार्पल होते हैं, और ये इलोंगेटेड होते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, मीन्स लंबे होते हैं, और इसमें तीन से ज़्यादा सीड प्रेजेंट होती है। ठीक है एवरीवन। देन उसके बाद है सीड। सीड कैसे होते हैं, तो मस्टर्ड में सीड राउंडेड होते हैं, स्मॉल होते हैं, ब्राउन और येलोइश कलर के होते हैं। आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, सीड स्मॉल होते हैं, राउंडेड होते हैं, ब्राउन और येलोइश कलर के होते हैं। गाइज यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, जो येलो सीड होते हैं वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्राउन सीड। ये ब्राउन सीड है, ये साइज़ में थोड़े से बड़े होते हैं पीले सरसों से। ठीक है एवरीवन। अब उसके बाद है कल्टीवेशन। मस्टर्ड इज मोस्टली ए रबी क्रॉप, ग्रो इन मिड अक्टूबर, लोमी सोयल आर गुड फॉर मस्टर्ड क्रॉप। यानी कि जो मस्टर्ड है वो ज़्यादातर रबी क्रॉप है, मीन्स रबी की फसल है। अक्टूबर में इसे ग्रो की जाती है, और लोमी सोयल अच्छी होती है मस्टर्ड क्रॉप के लिए। सीड्स आर सो इन रो इन प्रॉपरली मैनर्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड फील्ड। अच्छी तरह से खेत तैयार कर सीड को एक रो में बोया जाता है। क्रॉप रिक्वायर 3 to 4 इरीगेशन। इरीगेशन को कहते हैं सिंचाई, यानी कि मस्टर्ड क्रॉप को 3 to 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। एंड मैच्योर इन 110 to 160 डे, और ये मैच्योर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं 110 to 160 दिनों के बीच में। उसके बाद बात करते हैं हार्वेस्टिंग की। ऑन मैच्योरिटी इन द मंथ ऑफ फरवरी टू मार्च प्लांट आर हार्वेस्टेड बाय कटिंग स्टेम एट ग्राउंड लेवल। यानी कि मैच्योरिटी, फ्रूट्स पकने के बाद फरवरी टू मार्च में प्लांट को ग्राउंड लेवल से स्टेम को काट दिया जाता है। कट स्टेम आर टायर्ड एंड स्टैकड इन सन फॉर ड्राइंग। कटे हुए तने को यानी कि कटे हुए स्टेम को बांध कर धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है। ऑन ड्राइंग पोर्ट्स सेटर ईजली। जो पोर्ट्स होते हैं मीन्स जो इसकी फली होती है वो सूखने पर आसानी से टूट जाती है। सीड आर सेपरेटेड फ्रॉम द हुस्क बाय विनोइंग। विनोइंग एक प्रोसेस होता है, और विनोइंग के द्वारा सीड को हुस्क यानी कि भूसी से अलग किया जाता है। ठीक है एवरीवन। अब उसके बाद पढ़ेंगे यूजेस। तो सबसे पहले देखो,
एडिबल यूज़, यानी कि इसका यूज़ खाने में कहाँ पर यूज़ होता है, तो मस्टर्ड सीड मस्टर्ड ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड सलाद ऑयल। मस्टर्ड का यूज़ कुकिंग में होता है और सलाद ऑयल में होता है। मस्टर्ड सीड आर यूज्ड एज स्पाइस इन पिकलेस। जो अचार के जो मसाले होते हैं इनमें मस्टर्ड सीड का यूज़ होता है। देन उसके बाद है ल्यूब्रिकेंट। मस्टर्ड ऑयल इज़ आल्सो यूज्ड हैज मसाज ऑयल फॉर बॉडी एंड हेयर। देन उसके बाद है इंडस्ट्रियल यूज़। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर सोप ग्रीस सिंथेटिक रबर एंड प्लास्टिक। ठीक है एवरीवन, तो ये था मस्टर्ड ऑयल यानी कि ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।